इस 18वें सवाल में इस ब्रैकेट में ए बी है और इस ब्रैकेट में भी ए बी है, ठीक है। तो पहले तो हम इन घातों को इधर उधर हटा के यह बटा हटा लें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बराबर लगाएंगे, ए की घात ऊपर माइनस की एक है, ठीक है, ए की घात माइनस का एक है और नीचे ए की घात दो है, जब इसको हम ऊपर लेके आएंगे तो माइनस की घात दो हो जाएगी। इसी प्रकार b की घात ऊपर 2 है और नीचे b की घात माइनस की 4 है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस की घात है, जब ऊपर आएगी तो घात या प्लस की हो जाएगी, ठीक है। तो नीचे के ab तो हट गए, ठीक है, क्योंकि हमने इनकी घातों को ऊपर भेज दिया है, ठीक है। और बाहर घात हमारे पास 7 ऑलरेडी है, भाग यही प्रक्रिया इस ब्रैकेट के अंदर कर लें। तो इस ब्रैकेट में ए की घात 3 ऊपर है और नीचे ए की घात माइनस का 2 है, जब इस घात को ऊपर लेके आएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे से ऊपर भेज रहे हैं। और बी की घात ऊपर माइनस का 4 है और बी की घात नीचे 3 है, जब इस घात को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस की घात 3 हो जाएगी, क्योंकि प्लस की 3 थी, ठीक है। तो ये भी ब्रैकेट बंद कर दें। अब इन घातों को जोड़ घटा लें, तो बराबर ए की घात हो जाएगी माइनस का 1 और माइनस का 2 माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की 1 और माइनस की 2 को जोड़ेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगी। और बी की घात 2 प्लस 4 मतलब 2 और 4 6 हो जाएगी, ठीक है। और बाहर घात हमारे पास 7 है, भाग इधर ए की घात 3 2 5 हो जाएगा और इधर b की घात माइनस का 4 और माइनस का 3 माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। यह ब्रैकेट खोल लें, तो जब यह ब्रैकेट खुलेगा तो इस 7 की गुणा इस घात 3 में भी होगी और इस घात 6 में भी होगी, तो यह हो जाएगा a की घात माइनस की 3 की गुणा जब 7 से कराएंगे तो 7 21 हो जाएगा, वह भी माइनस का, तो ए की घात माइनस का 21 हुआ और बी की घात 6 7 42, भाग इधर ए की घात 5 और बी की घात माइनस का 7 है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ए बी इधर भी है और ए बी इधर भी है और भाग में है, इसलिए बराबर आधार वालों की घातें घट जाएंगी। तो बराबर ए की घात इधर माइनस का 21 है और यह क्योंकि ए इधर भाग में है इसीलिए ए की घात 5 जो है यह घट जाएगी, माइनस की 5 हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार बी की घात इधर